Today I am going to teach you and explain about tense. It is an important topic of English grammar. You know, grammar is must for you to improve your English. And if you know the basic thoughts or principle of English grammar, it is easy for you to translate Hindi and English. What is Hindi and what is it's English? It will be easy if you command over the grammar, especially the topic tense. But don't bother if you don't solve it easily. I am trying to do your best to make it very easy. How to translate English from Hindi? You know, अब यहाँ पर आपको समझने के लिए टेंस को बहुत हार्ड चीज नहीं समझना चाहिए. ये आवश्यक चीज है, आवश्यक पार्ट है आपको सेंटेंस का, हर सेंटेंस का. ये हैबिटेटेड यानी हैबिट के लिए, या आपका रूटीन वर्क, आपका शेड्यूल क्या होता है, ता है वाला सेंटेंस जो आप करते हैं यूज हमेशा डेली लाइफ में, वही यूज होगा. अगर उसमें हिंदी वाक्य में अगर है वह सब रहेगा है, तो ये इसकी पहचान प्रेजेंट का. सवाल है कि पार्ट टाइम का, टेंस का संबंध सीधा टाइम से होता है. तो हम ये टाइम को तीन पार्ट में अपने से असुविधा अनुसार बांटते हैं. एक जो वर्तमान चल रहा है, एक जो बीत गया और एक आएगा. तो हम वर्तमान से शुरू करते हैं और एक छोटा सा छोटा छोटा वाक्य से हम आपको आज इजी कराएंगे, बनाने के लिए इजी वे में बताएंगे मेथड क्या है, आपको समझ में आएगा. और ऐसा सेंटेंस आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस करने से अच्छी होगी. अब है जब सेंटेंस में होता है तो ये दो तरह से होगा. एक उदाहरण के लिए देखिए, मैं पढ़ता हूँ और एक आएगा दूध सफेद होता है. ता है, दोनों में ता है. ये सेंटेंस को सीधा के लिए देख लीजिए, यानी पढ़ता हूँ इसलिए ता है, अगर मैं नहीं रहता तो वह रहता, तो वह पढ़ता है. इसको और अच्छा से समझने के लिए देख लीजिए, वह पढ़ता है यानी ये ता है सेंटेंस. और या ते है या ता है या ता हूँ, जो भी रहेगा जिसके सब्जेक्ट के अनुसार हिंदी में यूज होता है. लेकिन सब इंग्लिश में एक ही जैसे यूज होगा, चाहे वो सब्जेक्ट. आपको देखना है कि सब्जेक्ट जो है ये किस पर्सन का है, किस नंबर का है, किस ये मेन वही जाना आपको, पर्सन और नंबर, वो नाउन है या प्रोनाउन है, उसका इंग्लिश क्या होता है आपको खुद लगाना पड़ेगा. तो होता है, होना में जब ता है लिखा हुआ है होना में, तो ये इसका भर्ब होता है टू बी. अब ये टू बी का यूज ज्यों का त्यों हमेशा नहीं होगा. जब होना में ता है लिखा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से इसका में यूज होगा इज या आर, या कभी एन भी रख सकता है, इज आर यूज होगा. लेकिन अगर ये नाम वाला होना को छोड़कर किसी भी भर्ब में ता है, ती है, ते होते हो, ता है, ते है रहेगा, तो उसमें कभी भी इज आर नहीं लगेगा. इसमें आप इज या आर लगा दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. इसमें इज आर नहीं लगाना है, ये आपको यही ध्यान रखना चाहिए. अगर होना में ता है तो इज आर का यूज करेंगे, उसको छोड़कर बाकी में ना वाले में ता है वाला सेंटेंस रहेगा तो इसमें इज आर का यूज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है. जैसे देखिए, मैं पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, इंग्लिश बनाएंगे तो आई रीड, ये हो गया. अब ये मैं की जगह वह रहेगा तो ही हो गया, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो ही हो, वह पढ़ता है का ही रीड्स हो जाएगा. ये अंतर हो गया टेंस का. ता है वाला सेंटेंस है, आई है तो क्या होगा, ही है तब क्या होगा. अब उसके उल्टा अगर ता है होना में ता है, दूध सफेद होता है, वहां हो जाएगा सीधा मिल्क इज व्हाइट. यही अंतर है, होना में ता है, ती है या ते है, जो भी जैसा भी रहेगा तो इज आर एन का यूज होगा. लेकिन होना को छोड़कर किसी भी वर्ब फॉर्म में ता वाला सेंटेंस है, हूँ, है, हो, जो भी रहेगा, उसमें कभी भी इज आर एन का यूज मत करिए, कभी नहीं. नेवर यूज इज आर एन इफ इन हिंदी ता है.
एक्सेप्शन है होना, होना कहता है तो छोड़कर, बाकी किसी भी वर्ब फॉर्म में रहेगा तो इज आर एम का यूज कभी नहीं होगा, नहीं करना है। लेकिन होना के साथ ता है रहेगा तो आपको यूज करना है इज आर। दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट, बाघ डरावना होता है, टाइगर इज फियरफुल, ऐसा करके जो इसमें यूज। तो हम दो तरह से आपको सेंटेंस इजी बनाने के लिए, अभी टेंस के हम टाइम्स दिए हैं, बताए हैं पहले भी कि टेंस को हम कितने टाइम है, टेंस को कितने उसके काम के अनुसार, वर्क के अनुसार कितने पार्ट में बांटते हैं। जैसा कि आप बता दे रहे हैं कि टेंस को हम तीन पीरियड में बांटते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। तो जो चल रहा होता है वो उस पीरियड को, उस टाइम को प्रेजेंट कहते हैं, और जो बीत गया होता है उसको पास्ट कहते हैं, जो आने वाला है उसको फ्यूचर कहते हैं। अभी पास्ट और फ्यूचर हम नहीं जा रहे, अभी आपको प्रेजेंट की बात है। यहाँ ये जितना है वाला सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट में भी अलग अलग तरह से इसका पार्ट है, चार भाग में, पहले ही बता चुके हैं। तो प्रेजेंट का चार भाग में ये पहला है, पहला में ये मेन वर्ब के साथ यूज होने वाला सेंटेंस यूज होता है। लेकिन ता वाले आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, जैसा भी रहेगा। लेकिन होना में अगर ता तो एकदम अलग हो जाएगा, होना को होना में ता है छोड़कर, इसमें अगर होता है, बाघ डरावना होता है, दूध सफेद होता है, कौआ काला होता है, दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, ऐसा करके होना में ता है कि एक सेंटेंस रहेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार उसके साथ हमेशा इज आर का यूज होगा। और उसको छोड़कर बाकी में ता वाला सेंटेंस रहेगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये इंडेफिनिट होता है, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको, इंडेफिनिट यानी ये कहलाता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सिंपल प्रेजेंट इसको भी बोलते हैं, इसलिए इंडेफिनिट का थोड़ा सा फर्क करके होना में ता है वाला सेंटेंस को, प्रेजेंट तो सब है, होना में ता है वाला सेंटेंस को अगर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, और उसको फर्क जानने के लिए होना को छोड़कर बाकी सब में ता है सेंटेंस रहेगा, तो अगर इंडेफिनिट से जानेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम करते हैं कि ता वाला सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है, मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, मैं आता हूँ, ये लोग खाते हैं, ऐसा करके सेंटेंस होगा, और अभी ता वाला सेंटेंस बताए जैसे कि, तो दोनों में यही फर्क है कि होना में अगर ता है यूज रहेगा तो इज आर का यूज होगा, और होना को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ब फॉर्म है उसमें यूज होगा तो जब ता वाला सेंटेंस रहेगा तो इज आर नहीं लगेगा। इस दृष्टि से आप हमेशा प्रतिदिन इसको 10 वाक्य, 15 वाक्य, 20 वाक्य, इफ यू प्रैक्टिस डेली इट इज वेरी, इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक योर इंग्लिश इंप्रूवमेंट जस्ट लाइक दिस। अब इसमें दो तीन या चार तरह का सेंटेंस होगा। आई रीड यानी एक अफर्मेटिव हुआ, ये सारा सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी स्वीकारात्मक। ये असर्टिव का एक पार्ट है, असर्टिव सेंटेंस का दो पार्ट हुआ, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव जिसमें नहीं नहीं रहेगा वो अफर्मेटिव होता है, और जिसमें अगर निगेटिव है नहीं यूज होगा तो उसमें वो निगेटिव हो जाता है। अब इसको हम अगले दिन इसको यूज करेंगे, जैसे बताएंगे कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें जब नहीं लगाएंगे तो निगेटिव क्या बनेगा, यानी अगर इसका निगेटिव बनाएंगे हम तो क्या होगा, इसमें यूज होता है फिर डू डज का यूज, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके दोनों में डू और डज का यूज होगा। इसको अच्छी तरह ध्यान से सुनिएगा, डू डज। अब कहाँ, जहाँ वी फाइव लगा है निगेटिव आने पर, वी फाइव जहाँ लगा है वहाँ पर डज का यूज होगा, फिर ये वी वन हो जाएगा, और जहाँ वी वन लगा है यहाँ पर इसमें करेंगे तो इधर डू हो जाएगा, और इसमें तो वी वन है ऑलरेडी है ही। यह आपको चार तरह से एक सेंटेंस का फॉर्म करना है, या पांच तरह भी कर सकते हैं। दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है तो यस नो होगा, और डब्ल्यू एच भी यूज हो सकता है। देखिए जैसे अब एक एक सेंटेंस को आप बनाइएगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई रीड हो गया ना, इसमें अगर डू लगा दे फिर आई डू नॉट रीड हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड। अब क्या लगा देंगे शुरू में तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो क्या मैं पढ़ता हूँ डू आई रीड, और क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ डू आई नॉट रीड। ये चार तरह हुआ। एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन अगर बनाएंगे उसमें तो आप क्या पढ़ते हैं, यानी मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई रीड, व्हाट डू आई रीड,
हाउ डू आई रीड, ऐसा करके आप बना सकते हैं, वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक सेंटेंस को आप पांच सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ डू आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ डू आई नॉट रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ व्हाट डू आई रीड, जस्ट लाइक फाइव सेंटेंस। अब होता है वाला भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। होता है में एक बना हुआ है, दूध सफेद होता है मिल्क इज वाइट, कौआ काला होता है क्रो इज ब्लैक, ऐसे करके। दिन छोटा होता है द डे इज स्मॉल, रात छोटी होती है लंबी, जो ऐसा करके होना वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं आप लगातार। तो है या होता है, ये दोनों के लिए इज आर एन यूज होगा, और उसको छोड़कर है सिर्फ रहेगा, होना नहीं भी रहेगा तो है। तो यह दूध है दिस इज मिल्क, यह कलम है दिस इज अ पेन, यह चावल है दिस इज राइस, यह टेबल है दिस इज अ टेबल, उसमें आर्टिकल के साथ जैसा जो यूज होगा तो ऐसा बनाना है, इज का यूज उसमें होगा। लेकिन अगर मेन भाग इसको होना को छोड़कर, यानी सिर्फ है या होता है छोड़ देते हैं, तो ता वाला जितना सेंटेंस होगा उसमें इज आर का यूज नहीं करना है, और वह इसी तरह बनेगा। यहाँ पर V1 का यूज हुआ इसलिए डू लगा, V5 वाले में नेगेटिव बनाएंगे तो V5 को फिर V1 में कर देंगे। जैसे यहाँ पर है, जैसे ही रीड्स वह पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड वह नहीं पढ़ता है, डज ही रीड क्या वह पढ़ता है, डज ही नॉट रीड क्या वह नहीं पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है जब करेंगे तो व्हाट डज ही रीड हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझ कर बनाने की क्या कोशिश करेंगे, आपसे यहाँ से शुरू करेंगे मन लगा कर, तो आपका कभी भी ऐसा होगा ही नहीं इसे कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा। आप दोनों तरह के वाक्य को दो पार्ट में बनाइएगा, आप जहाँ भी देखें कोई भी बुक होगा आपके पास या अपने से क्रिएट करिए सेंटेंस को, हर भर्ब के रंग की आप जानते हैं, जो चीज देखते हैं सब्जेक्ट हो जाता है उसके साथ भर्ब जुड़ जाता है, तो आप यूज करिए इसको हमेशा बनाते रहिए। कुछ भी और कंफ्यूजन हो तो आप, मैं तो हूँ ही आपके साथ, और अब आपको जो वर्क दिया गया है, होमवर्क भेजा गया है, उसमें ऐसा ही इसको क्लियर करने के लिए, यहाँ ये बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो आप ऐसा हमेशा जितना सब्जेक्ट दिया गया है और जितना भर उसके साथ ऐसे ही बनाएंगे, ये जैसे यहाँ बना हुआ है, आई रीड आई डू नॉट रीड, डू आई रीड डू आई डू नॉट रीड, और व्हाट डू आई रीड, उसके बाद ही रीड्स ही डज नॉट रीड डज ही नॉट रीड व्हाट डज ही रीड, पांच वाक्य बना सकते हैं, चार ही बनाइए तभी चलेगा। अब यहाँ पर दूध सफेद होता है, होना नेता है लगाइए या है लगाइए, यह कलम है कर सकते हैं, ये कलमे कर सकते हैं, यह पुस्तक है कर सकते हैं, ये पुस्तक है कर सकते हैं, या फिर होता है वाला सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोनों अलग अलग है, और दोनों में आपको क्या करते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स, वे जहाँ हूँ रहेगा वहाँ तुरंत एम लगा देते हैं, आई एम रीड, ये जनरली सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ये आपको नहीं करना है। एक चीज आकर पक्का करिए कि कंफर्म होइए कि ता वाला सेंटेंस में इज आर एम नहीं लगाना है, और होना और है ऐसा वाला सेंटेंस में जब ता होना के साथ ता या सिर्फ है, तो दोनों इसमें यूज में आपको इज आर एम यूज होगा। दोनों के लिए अलग अलग दिया गया है सेंटेंस, और जो वर्क दिया गया है उसी इसी के अनुसार बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है तो ये V5 पे ही होता है, और जब डज लगाते हैं इसमें तो V1 हो जाता है, उसे फिर V5 नहीं आएगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट है किसी भी तरह का, उसमें V1 का यूज होगा, और जब निगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे तो उसमें डू का यूज होगा, उसमें V1 तो है ही ऑलरेडी, और डू डज डिड जब भी यूज होता है कभी भी कोई फॉर्म नहीं लगेगा, सिर्फ भर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसलिए यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ब्स एंड प्रैक्टिस डेली। इफ यू प्रैक्टिस 10 सेंटेंसेस डेली, इट विल बी इजी फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द क्लासेस एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स और एनी स्टोरी और एनी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। सो you must have learn of make practice, it is the make the best use of your time, practice daily, and don't bother it is very hard, not even it is not hard, it is very easy, but you have to practice daily. If you practice daily and you know practice makes a man perfect, so please
If you have any problem, I am present. I am always for you to teach anything if you have any problem. So please march towards your goal and do your work daily and make practice. And it is the work in home. Please do it properly. I wish you all the best.